हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से, और इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा रियलमी के नए फ़ोन रियलमी 3 की। सो लेट्स स्टार्ट। बॉक्स को खोलने पर सबसे पहले हमें मिलता है यहां पर एक ये लिड, जिसके अंदर है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और साथ में है एक सिलिकॉन बैक कवर। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन रखा हुआ है, जिसके ऊपर हम लोग अभी आगे आएंगे। आप देख सकते हैं ये ग्रेडियंट ब्लू में हमें मिला है, और इसके बाद है यहाँ पर इसकी माइक्रो यूएसबी केबल और 2-pin वॉल चार्जर जो कि 5 वॉल्ट्स का है। तो फ्रेंड्स, ये था रियलमी 3 का बॉक्स कंटेंट। अब देखते हैं फ़ोन का फर्स्ट इंप्रेशन। फ़ोन ऑन हो गया है, तो शुरू करेंगे हम इस फ़ोन के डिज़ाइन से। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट में आपको डिस्प्ले दिख रहा है वो है 6.2 इंच का HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पर आपको उसकी नॉच मिल जाएगी, और ऊपर ही आपको यहाँ पर इसका एक ईयर पीस भी मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो चिन है उसके साथ आपको यहाँ पर एंड्रॉयड कीज़ मिल जाएंगी। और एक बार देखें तो आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नेविगेशन कीज़ हैं वो केवल बैक बटन और होम बटन है बेसिकली, जो या ये इसके साथ जेस्चर के साथ होता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग अभी आगे आते हैं। उसके अलावा जो चिन है यहाँ पर वो थोड़ी ही आपको ब्रॉड लगेगी। ओवरऑल बेजल्स हैं वो भी इसकी ठीक है। राइट वाली स्पाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर इसका पावर बटन है, और लेफ्ट स्पाइन पर वॉल्यूम रॉकर और सिम ट्रे है, आपको दिख रही होंगी ये। ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ नहीं है, और नीचे वाली साइड पे इसकी माइक्रो यूएसबी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और 3.5mm जैक है। पीछे की तरफ आएंगे तो जो इसकी बॉडी है वो एक प्लास्टिक बॉडी है, और यहाँ पर आपको इसका डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरा है उसके आसपास आपको एक थोड़ी सी जो रिम है वो भी देखने को मिलेगी, और फिर है सेकेंडरी कैमरा, और फिर है LED फ्लैश। ये रहा इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसका डेमो हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एक HD डिस्प्ले है, जिसका आप टच देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है, और जो टेक्स्ट है वो भी काफ़ी क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। जो ब्राइटनेस लेवल है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, तो ये काफ़ी ब्राइट होता है, बट आई थिंक जो ब्राइटनेस है उसको फुल रखने के बाद भी आपको सनलाइट लेजिबिलिटी जो है इसकी वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट अगेन ये हम इसके आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कैमरास को। तो पीछे की तरफ जो इसका डुअल कैमरा है वो आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का, और आगे आपको इसमें मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। एक बार इसका कैमरा UI देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग इसकी फोकस स्पीड से। इसकी फोकस स्पीड तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी फास्ट है, पता नहीं समहाउ ये अपने आप ही मोड, अच्छा ओके, आप इसके ऊपर अगर ऐसे ड्रैग करेंगे तो भी आप मोड चेंज कर सकते हैं। तो शटर स्पीड देखते हैं, शटर स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मोड्स के ऊपर आएँ तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, वीडियो मोड मिलेगा, उसके अलावा आप इसके वीडियो मोड में स्लो मोशन वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, टाइमलेस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें एक्सपर्ट मोड भी मिलता है वीडियो में, विच इज़ बिग प्लस। और इससे आप फुल HD वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ में जाके एक बार देखते हैं जो क्वालिटी, जी हाँ, इसमें आपको रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, बस आप 4:3 और 1:1 वाले रेशो को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका 2x जो जूम है वो हो गया, ये इसकी कैमरा सेटिंग्स हो गई। फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका कैमरा UI, जो इसकी कैमरा क्वालिटी है उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। अब आते हैं इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस पर। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर आपको मिलता है हीलियो P70 चिपसेट, जो कि एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी पावरफुल और काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है, ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। और जो रैम है इसके अंदर आपको 2 वेरियंट्स मिलते हैं, और स्टोरेज के भी 2 वेरियंट्स हैं, यानी कि 3GB के साथ आपको मिलती है 32GB की स्टोरेज, और 4GB के साथ आपको मिलती है 64GB की स्टोरेज। एक बार हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरियंट है वो कौन सा वाला है। तो लेट मी जस्ट सर्च द स्टोरेज, या तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 64GB की स्टोरेज, यानी कि इसके अंदर जो रैम होगी वो होगी 4GB। बैटरी के ऊपर आएँ तो इसके अंदर 4230mAh की बैटरी, जिसका अगेन बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 4000mAh से ज़्यादा बैटरी है, और जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी भी है। तो फ्रेंड्स, ये था रियलमी 3 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। आप मुझे बताइए आपको ये फ़ोन दिखने में कैसा लगा। This is Pratik Vyas from Price Baba. Thanks for watching.